पिछले बार आपने किसको वोट किया था, क्या आपको उनसे जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई? नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए उन्होंने किया मेल और फीमेल के, लेकिन हमको लेके ऐसा कुछ मुझे स्पेसिफिक दिखा नहीं है। जैसे मैम ने अभी आपको बताया कि हॉस्पिटल के अंदर अलग सेल होना चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्योंकि अगर वो फीमेल लाइन में खड़े होते हैं तो फीमेल्स उन्हें घूरती हैं, ये क्या है, वो मेल लाइन में खड़े हो नहीं सकते हैं, तो एक प्राइवेसी होनी चाहिए उनके लिए। तो जो सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही है, ट्रांसजेंडर्स के लिए प्राइवेसी तो होनी चाहिए। क्या लगता है कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो कितना हद तक जो है ट्रांसजेंडर को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हम लोग शादी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन आफ्टर मैरिज भी हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम मतलब वो करने पड़ रही है। जैसे कि मैं अपने ही बता रही हूँ, मेरी शादी हुई थी 10/10/2017 में दीपक बत्रा से, अब वो मेरे साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि तू एक ट्रांसजेंडर है, ये तू प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तेरा कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब इस तरीके से अब्यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो एक नॉर्मल फीमेल्स को जो राइट है वो हमें भी होने चाहिए।